तो दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी YouTube वीडियोस की कुछ अर्निंग दिखाने वाला हूँ, जिससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का मतलब किस टॉपिक पे वीडियो अगर हम बनाएंगे तो हमको जो है YouTube अच्छा खासा अर्निंग देगा। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी कैलकुलेशन लगाएंगे कि YouTube हमें कितने व्यू पे कितना डॉलर देता है। तो चलिए जो है हम शुरू करते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में जाकर, और वहाँ जो है मैं आपको अपनी वीडियो की अर्निंग व्यू वगैरह सब चीज़ जो है दिखाता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल आप जो है आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन को देख रहे हैं, यहाँ से मैं YT स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा लास्ट 28 डे में कितना मैंने अर्न किया है। व्यू मोर पे क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर जो है आप लास्ट 48 आवर का व्यू देख सकते हैं। मेरा 18,000 व्यू है लास्ट 48 आवर्स में, और लास्ट जो है 28 डे का आप अर्निंग यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ चलिए मैं आपको जो है मेरा सबसे ज़्यादा व्यू वाला जो कौन से वीडियो पे व्यू आया है वो भी हम दिखा देते हैं। सो गाइस यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा सबसे जो ज़्यादा व्यू आया है वो लगभग 92,000 व्यू जो है व्यू आया है बाहुबली के वीडियो पे। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ आई के बटन पर, और यहाँ जो है आप यहाँ आप देखेंगे तो व्यू मोर पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा जो है लगभग 48 आवर्स में 6,000 व्यू आया है और अर्निंग जो है $14। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये मेरा वीडियो था, ये वीडियो है जो अभी लास्ट 28 डे में सबसे ज़्यादा व्यू आया है। मेरा सेकेंड हाईएस्ट व्यू वीडियो जो है वो प्रभास रेबल स्टाइल है। तो ये कौन सा वीडियो है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो है मेरा सेकेंड हाईएस्ट व्यू वीडियो है लास्ट 28 डे में, और व्यू मोर पर क्लिक करके दिखाएं तो लगभग ये 48 घंटे में जो है 2,500-2,500 व्यू मुझे दिया है। अब दोस्तों थर्ड में जो है बाहुबली बुल फाइट सीन, ये है 29,000 व्यू पे है, और यहाँ भी देखें तो लास्ट 48 आवर में ये लगभग 780-800 के करीब व्यू जो है ये मुझे मिला है। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो है मेरा यहाँ अगर देखा जाए तो जो टॉप 3 वीडियो है हाईएस्ट व्यू वाले, तो ये वीडियो जो है बाहुबली के ऊपर बनाया हुआ वीडियो है। ठीक है, जो मेरा चैनल का मेन जो सब्जेक्ट है जो मेरा चैनल पे आप लोग देखना पसंद करते हैं, तो ये वो टॉप 3 वीडियो है इसका व्यू। अभी पहले बहुत और भी ज़्यादा आता था, मगर अभी बहुत कम आ रहा है व्यू। तो ठीक है चलिए, अब जो 4 नंबर व्यू है ये हाउ टू कन्वर्ट वीडियो बैकग्राउंड है, ये 26,000 व्यू है लास्ट 28 डे में, और इसका अगर हम व्यू मोर पे क्लिक करें तो ये लगभग 48 आवर में 1500-1600 व्यू आ रहा है, जो फ़िलहाल अभी कुछ लगभग 2 दिनों से थोड़ा इसका जो है ग्राफ अगर देखें तो थोड़ा ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों अब जो है मैं आपको मेरी टॉप वीडियो की अर्निंग दिखाता हूँ, कौन सा ऐसा वीडियो है जो टॉप अर्निंग में है। तो यहाँ पर जो है हम रेवेन्यू सेक्शन में जाते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें टॉप अर्निंग वीडियो, तो यहाँ हाउ टू कन्वर्ट वीडियो बैकग्राउंड जो सबसे हाइट में है, सबसे मतलब पहले नंबर पे है, और दोस्तों ये वीडियो जो है सबसे ज़्यादा अर्निंग किया हुआ है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों हम जो है कंपेयर करेंगे इस वीडियो की और बाहुबली एडिटिंग वाले वीडियो के बीच में अर्निंग को लेके, व्यू को लेके, तो कितना व्यू है कितना अर्निंग है। ठीक है, तो हाउ टू कन्वर्ट वीडियो ये सबसे ज़्यादा अर्न किया हुआ है मेरा लास्ट 28 डे में, तो इसको हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ हम व्यू मोर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आप देखें तो लास्ट 28 डे में जो है लगभग $17 जो है 17.65 का जो है डॉलर जो है इसने अर्न किया है। और यहाँ व्यू पे मैं अगर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं लास्ट 28 डे पे क्लिक करता हूँ, लगभग 19,723 जो है ये मुझे लास्ट 28 डे में मुझे व्यू मिला है, और उसका जो है अर्निंग जो है लगभग 17,000। तो हम अगर कैलकुलेटर ओपन करके हम देखें तो 19,000-20,000 पकड़ लेते हैं, 20,000 व्यू $17 पकड़ लेते हैं। ठीक है, एक एस्टिमेट के लिए, तो यहां से मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं, ये है 20,000 व्यू डिवाइड 17, तो लगभग यहाँ देखें तो आपको 1,170 पकड़ लीजिए, 1200 व्यू में आपको $1 मिल रहा है। तो दोस्तों हमारा जो ये वीडियो है ये 1200 व्यू में हमको $1 दे रहा है, और अगर हम इसका वॉच टाइम देखेंगे, ठीक है,
एवरेज ड्यूरेशन जो है लगभग 1.26 मिनट का है, यानी कि लगभग 1.5 मिनट का जो है हर वीडियो पे वॉच टाइम दे रहा है। अब दोस्तों मैं जो है अपनी जो दूसरी हाईएस्ट अर्निंग वाली वीडियो है, जो बाहुबली का जो है वीडियो है, चेक करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और व्यू मोर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट 28 में लगभग $14 जो है 14.11 जो है ये डॉलर अर्न हुआ है। और यहाँ से व्यू पे अगर हम क्लिक करें और लास्ट 28 डे पे क्लिक कर देते हैं, तो दोस्तों लास्ट 28 डे में 1,48,000 व्यू प्लस जो है आया है। और दोस्तों हमारी अर्निंग क्या हुई है, $14। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1,48,000 व्यू डिवाइड 14। तो यहाँ आप देखिए लगभग 10,000 व्यू में $1 हमको मिल रहा है। अब दोस्तों इसका एवरेज ड्यूरेशन देखें तो सिर्फ 44 सेकेंड है। अब दोस्तों उस वीडियो और इस वीडियो में फ़र्क क्या है, इस पे 10,000 व्यू पे $1 है। वॉच टाइम अगर देखा जाए तो 44-45 सेकेंड का पकड़ लीजिए, 45 सेकेंड का वॉच टाइम है। और उस वाले वीडियो पे जो है लगभग 1100-1200 व्यू पे $1 है, और एवरेज ड्यूरेशन जो है एवरेज लगभग 1.5 मिनट का वॉच टाइम मिल रहा है एक व्यू पे। तो दोस्तों अगर हम कैलकुलेशन इस हिसाब से भी करें कि 100 व्यू अगर उस वीडियो पे आते हैं, तो 1.5 मिनट का हिसाब से आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना मिनट का वॉच टाइम मिलेगा। और इस पे अगर इस वाली वीडियो पे देखें तो 45 सेकंड का जो है वॉच टाइम मिलता है एक वीडियो पे। 100 अगर व्यू अगर आता है तो उस पे मतलब कितना आपको डिफरेंट आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों उस वीडियो और इस वीडियो में जो फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये वीडियो जैसे बाहुबली का अगर हम वीडियो बनाते हैं, तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमको जो है लगभग 1-2 दिन लग जाता है ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए। और उस पर भी ये है कि हमको 30 सेकंड से ज़्यादा का वीडियो बनाना नहीं है कॉपीराइट पॉलिसी के तहत। तो 30 सेकंड का वीडियो यूज़ करना है, उस पर जो है हमको ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, फिर ग्रीन स्क्रीन में वीडियो को शूट करना है, इसके बाद में जो है वीडियो को हमको एडिट करना है, अच्छे से एडिट करना है ताकि कुछ उसमें गलती ना हो, आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। तो कम से कम इस तरह का वीडियो बनाने में हमको 3 दिन लगते हैं एक वीडियो। और हमको रिजल्ट क्या मिलता है, 30 सेकंड का वीडियो बनता है, उसमें हमने लगा लिया इंट्रो 10 सेकंड का, आउट्रो 20 सेकंड का, तो लगभग 1 मिनट का वीडियो बन गया। अब इसको हमने पब्लिश किया, अपलोड किया, वॉच टाइम मिल रहा है उसमें 40 से 45 सेकंड, और उस पर भी जो है 10,000-11,000 व्यू पे $1। तो दोस्तों मेहनत देखिए, 3 दिन का मेहनत, 1 मिनट का वीडियो और 10,000 व्यू पे $1। अब दोस्तों दूसरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह का वीडियो एडिटिंग वीडियो आप बनाते हैं ट्यूटोरियल के साथ, ज़्यादा नहीं काइन मास्टर ट्यूटोरियल के साथ, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप अगर 1 घंटा से 1.5 घंटा अगर टाइम देंगे, या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 3 घंटे में एक बढ़िया सा काइन मास्टर ट्यूटोरियल या कुछ इंटरेस्टिंग का ट्यूटोरियल वीडियो जो है पूरे एडिट के साथ बना सकते हैं। या फिर आप अगर एक टेक वीडियो बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक के बारे में आप कोई वीडियो बनाते हैं कैमरे सामने में रख के, 1/2 घंटा लगेगा आपको कोई टेक वीडियो शूट करने में। चलिए मान लेते हैं कि 1 घंटा लगता है, 1 घंटा शूटिंग में लगता है, 1 से 2 घंटा जो है वो एडिटिंग में लगेगा। तो दोस्तों कम से कम जो है आप 1 दिन में 1 वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, अपने व्यूअर को 1 वीडियो 1 दिन में आप दे सकते हैं। और अगर उस वीडियो पे आपको 1,000-1,200 भी व्यू आते हैं ना, तो आपका $1 बनता है। अगर आप मेरी तरह अगर एडिटिंग वीडियो बनाते हैं तो 3 से 4 दिन एडिटिंग में लगता है, 1 मिनट का वीडियो बनता है जो देखने में भी आप लोगों को उतना मतलब नहीं लगेगा, सिर्फ 30 सेकंड का है, 10 मिनट का तो इंट्रो रहता है, 20 मिनट का आउट्रो रहता है, सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो आपको भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, किसी को भी इतना छोटा वीडियो देखने का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है, आप लोगों को मेरी अर्निंग नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं कितना कमा रहा हूँ या कितना मुझे मिलता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है अपनी अर्निंग दिखाते हैं, तो मकसद ये नहीं है कि मैं आपको अपनी अर्निंग दिखा रहा हूँ या व्यू कितना है, क्या ये नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो आपको किस टॉपिक पे काम करना चाहिए, किस तरह का वीडियो आपको बनाना चाहिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको जो है अच्छी खासी अर्निंग हो, आपका चैनल ग्रो हो।
तो दोस्तों यही वजह है कि अब जो है मैं, बहुत से भाई जो है कमेंट करते हैं कि आप पहले जैसे आप वीडियो नहीं बना रहे हैं और पहले जैसे आपको व्यू नहीं आता है। तो दोस्तों अब जो है मैंने यही ठान लिया कि अब चलो 200-250 व्यू भी वीडियो पे आए तो चलेगा, मगर मुझे जो है यही कंटेंट रखना है आप लोगों के लिए, हर रोज़ एक वीडियो पोस्ट करना है। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अगर रहा तो मेरा चैनल ग्रो करेगा ज़रूर। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज जो भी मैं इस वीडियो पे बताया आप लोगों को समझ, थोड़ा बहुत नॉलेज आया होगा, कुछ समझे होंगे कि आपको किस टॉपिक पे काम करना चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा पैसा है, किस टॉपिक पे मतलब ग्रो ज़्यादा है चैनल, यूट्यूब चैनल ग्रो ज़्यादा कर सकता है। और आप एडिटिंग से रिलेटेड में जो है क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, जो मैं अब जो है ये एडिटिंग वाली वीडियो जो है ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके अपनी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।